हेलो ब्यूटीज, वेलकम बैक। आज का वीडियो है नो मेकअप मेकअप लुक कैसे करते हैं बाय यूजिंग ओनली 5 प्रोडक्ट्स। ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने सेटाफिल का मॉइस्चराइजर ऑलरेडी अपने स्किन में अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं लैक्मे एब्सोल्यूट का मूज फाउंडेशन लगाती हूँ। शेड है आइवरी फेयर। ये बहुत अच्छा मैट पाउडरी लुक देता है। इसके बाद आपको कोई कॉम्पैक्ट या पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। मेरे थोड़े बहुत जो डार्क सर्कल है वो भी हाइड हो जाते हैं। जब मुझे जल्दी में तैयार होना होता है तो मैं ब्लेंडर या ब्रश का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं अपने फिंगर्स से ही ब्लेंड कर लेती हूँ और ये प्रोडक्ट बहुत ईजिली आपके फिंगर्स से ब्लेंड हो जाएगा, स्किन में बहुत ईजिली अब्जॉर्ब हो जाता है। आप कोई बीबी क्रीम या सीसी क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर। इसके बाद मैं आईलैश कर्लर का यूज़ करूँगी। मैं इसे थोड़ा वार्म कर लेती हूँ ताकि कर्ल बहुत अच्छे से बने। ये एक आईलैश का हैक है आप बोल सकते हैं। अगर आप वार्म करके अपने लैश को कर्ल करते हैं तो बहुत अच्छा लैश कर्ल होता है। आप देखिए डिफरेंस दोनों आँखों में। दोनों तरफ मैं लैश कर्ल कर ले रही हूँ। ये लुक हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही परफेक्ट है। ये मेरा गो टू लुक है और ये लुक क्रिएट करना मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद मैं लिप एंड चीक टिंट का यूज़ कर रही हूँ, पीची कोरल। ये जस्ट हर्ब्स ब्रांड का है। इसका अलग से मैंने वीडियो दिया है, रिव्यू वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसे मैं अपने लिप्स पर भी अप्लाई करती हूँ और इसे मैं अपने चीक्स पर भी अप्लाई करती हूँ। ये बहुत नेचुरल एंड हेल्दी लुक देता है। मेरी स्किन बहुत फ्रेश हेल्दी एंड ग्लोवी ग्लोई लगती है। मेरे फिंगर्स में थोड़े बहुत है तो मैं इसे अपने नोज पे और थोड़े फेस पे लगा लेती हूँ ताकि थोड़ा सा नेचुरल लुक लगे। ये टिंट मैं थोड़े आँखों पे भी लगाती हूँ, आईलिड पे। ट्रस्ट में ये बहुत नेचुरल लगता है। उसके बाद मैं प्लम का काजल लगा रही हूँ, बट मैं इसे अपने वाटर लाइन में नहीं लगाऊंगी, मैं इसे अपने ऊपर के वाटर लाइन में लगाऊंगी। इससे आईज बहुत खूबसूरत दिखती है। इस तरह से आप इसे अपने ऊपर के वाटर लाइन में लगा लें। उसके बाद मैं मेबिलिन का मस्कारा लगा रही हूँ। ये वाटरप्रूफ मस्कारा है। इस तरह से मस्कारा को आप अपने आईलैश को ऊपर की तरफ करते हुए लगाएं। ये मस्कारा मुझे बहुत पसंद है, ये बहुत नेचुरल लुक देता है। डिफरेंस आप देख सकते हैं। पहले आप अपने आईज पे फर्स्ट कोट ऑफ मस्कारा लगाएं, उसके बाद आप दोनों तरफ लगाने के बाद सेकंड कोट ऑफ मस्कारा लगाएं कुछ देर बाद, 10-20 सेकंड बाद। नीचे के भी लैशेस में मैं थोड़ा मस्कारा लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं फेसेस कैनेडा का आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, 10-01। स्पूली की मदद से आप इसे ब्रश कर ले ऊपर की तरफ अपने दोनों आईब्रो को। मुझे ज़्यादा आईब्रो पेंसिल यूज़ करना पसंद नहीं है, मैं बस नीचे लाइन ड्रॉ करती हूँ और ऊपर एक आर्क बनाती हूँ और उसे स्पूली से ब्लेंड कर लेती हूँ। अब अपने आईब्रो के दोनों तरफ इसे ब्लेंड कर ले, ये बहुत नेचुरल लुक देता है। तो आज का ये लुक आपको कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई होप यू एंजॉयड माई ट्यूटोरियल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।